Hello everyone. In this lecture, we deals with the vapor density. We want to know about the vapor density. Vapor density क्या है और किस तरह से ये molecular weight से related है, तो इसका derivation obtain करेंगे and last के अंदर अपने पास जो 1, 2, 3 and 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको अपन solve करेंगे. When we talking about the vapor density, then the density of a particular gas or vapor relative to that of hydrogen at same temperature and pressure. कहने का मतलब ये हो गया कि एक ये relative value है and you already know about the relative value. जैसे मैंने आप लोगों को relative mass के अंदर calculate कराया था. So we can say vapor density एक क्या है relative property है. आपको क्या दिया हुआ रहेगा, we have the value of density of a gas at a particular temperature or pressure and find out the density with respect with relative to the hydrogen. So we can design the formula of vapor density. We can say vapor density is equal to density of gas at a temperature and pressure. Is that clear? And we can write density of H2 gas at same temperature and pressure. Clear? Now again read the definition. The density of a particular gas relative to that of hydrogen at same temperature and pressure. We can write it vapor density is equal to density of gas upon density of H2 gas at same temperature and pressure. Is that clear? And the density of H2 gas is the 0.00089 gram per ml, which can be written as, this is the 1, 2, 3, 4, 5. We can say 9 × 10⁻⁻⁵ gram per ml. Clear? हाइड्रोजन गैस की जो डेंसिटी है वो क्या है, 9 × 10⁻⁻⁵ ग्राम पर ml है. थिंक अबाउट दैट डेंसिटी. वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू m/v. सपोज वी ऑल्सो कॉन्स्टेंट द वॉल्यूम, यदि हम क्या कर दें, वॉल्यूम को भी कांस्टेंट कर दें, then d into v is the mass. यदि मास को भी कांस्टेंट कर दिया जाए तो मैं क्या कह सकता हूँ, मास ऑफ गैस बाई मास ऑफ H2 गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर. कैन वी राइट इट? यस वी कैन राइट. सो वी कैन से वेपर डेंसिटी can also be written as mass of gas at volume V. Clear? We can also write mass of H2 gas at same volume. Is that clear? मतलब आपने क्या कर दिया, अब density into volume, d into v था आपके पास, d into v इज इक्वल टू एम है आपके पास. वी नो दैट d इज इक्वल टू m/v होता है. v को आप इधर ले गए और ये v क्या कर दिया आपने, v फिक्स कर दिया, तो इसके वॉल्यूम से इसका वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाएगा. बात वापस कहाँ पे थी, डेंसिटी पे. तो ये डेंसिटी अब किसके इक्वल है, मास इन ग्राम के इक्वल है. अब देखो ये आपके पास मास इन ग्राम है एंड वी नो दैट नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास बाई मोलर मास. दिस इज द मास एंड दिस इज द मोलर मास. इज दैट क्लियर? ये ग्राम के अंदर और ये किसमें है, ग्राम पर मोल. क्लियर? अब यदि मोल कितना ले लिया जाए, 1 मोल ले लिया जाए, कितना ले लिया जाए, 1 मोल, देन वी कैन से W इज ऑल्सो इक्वल टू द मोलर मास. And we know that about the molar mass. Molar mass क्या होता है, mass of n molecule. Molar mass is the mass of n molecule. Is that clear? ये क्या है आपके पास, mass of n molecule. Clear? देखिए बात आप इस पॉइंट को कहाँ तक ले आए, मास तक ले आए. And we also know that नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल क्या होते हैं? मास अपॉन मोलर मास होते हैं। अब यदि दोनों का ही कितना ले लिया जाए, 1 मोल ले लिया जाए, भाई इसका भी 1 मोल और इसका भी 1 मोल हो, इसका मतलब दोनों का मोलर मास का रेशियो की, दोनों के मोलर मास के रेस्पेक्ट की रिलेटिव अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर भाई? मेरे पास कितना था, देखो ये 1 मोल है, जैसे मैं इसको 1 मोल करूँगा तो क्या हो जाएगा, m को इधर की तरफ लाऊंगा तो ये m इज इक्वल टू क्या हो गया, w हो गया। m क्या है? मोलर मास है। मोलर मास को और कैसे डिफाइन कर सकते हो आप? मास ऑफ n मोलिक्यूल। कैसे डिफाइन कर सकते हो? मास ऑफ n मोलिक्यूल। क्लियर? तो इसको मैं चेंज करने जा रहा हूँ वापस। अब इसी इक्वेशन को मैं क्या कर सकता हूँ, मास ऑफ n मोलिक्यूल ऑफ गैस, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ n molecule of gas, और we also can also write mass of n molecule of H2 gas। is that clear? आप यहाँ तक पहुँच गए। इसके अंदर आपने क्या क्या किया, देखो आपको डेंसिटी दी थी d इज इक्वल टू एम बाई वी। अब हमने क्या किया, सेम वॉल्यूम कर देते हैं दोनों का, ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम सेम था, तो हमने बात कहाँ पे आ गई, मास पे आ गई। तो हमने फिर लिखा मास ऑफ गैस एट वॉल्यूम एंड मास ऑफ H2 गैस एट सेम वॉल्यूम। क्लियर? अब इस मास को आपने रिलेटेड किया किससे, नंबर ऑफ मोल से, n इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम। क्लियर? अब देखो यदि मैं ये कितना ले लेता हूँ, 1 मोल ले लेता हूँ, तो ये मेरे पास मास था और ये क्या है मेरे पास, इधर मोलर मास है, यानी कि बात किस पे आ जाएगी, मोलर मास पे आ जाएगी। क्लियर? यानी कि हम जो रेशियो देखेंगे वो किसका देखेंगे, मोलर मास या मोलिकुलर वेट, मोलर मास या मोलिकुलर वेट। क्लियर? आजकल ये वर्ड काम में नहीं लेते, मोलिकुलर वेट की जगह मोलिकुलर मास काम में लेते हैं अपन। क्लियर? तो अब जो बात, अब डब्ल्यू को रिप्लेस कर दिया किससे, मोलर मास से। मोलर मास क्या होता है, मास ऑफ एन मोलिक्यूल, एन ए मोलिक्यूल। क्लियर? तो यहाँ में लिखा मास ऑफ एन मोलिक्यूल ऑफ गैस एंड मास ऑफ एन मोलिक्यूल ऑफ H2 गैस। और इसको आप और चेंज कर सकते हो, एन इंटू मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ गैस, 1 मोलिक्यूल ऑफ गैस, एंड वी कैन राइट एन इंटू मास ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ H2, 1 मोलिक्यूल ऑफ H2 गैस। इज दैट क्लियर? तो इसी मास को आपने, मास था, मास को रिप्लेस कर दिया मास ऑफ एन मोलिक्यूल ऑफ गैस, मास ऑफ एन मोलिक्यूल ऑफ H2, एंड इसको आप लिख सकते हो क्या, एन इंटू मास ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ H2, एन इंटू मास ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ H2। क्लियर? सो वी कैन राइट वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई 2। आपको कौन सा रिलेशन मिल गया, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट बाई 2, ये रिलेशन मिल गया। अब इसी रिलेशन के बेसिस पे आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं, या डायरेक्टली आप देख लो। आपके पास क्या था, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई 2। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आइए आप। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ गैस आपको दी गई है। क्लियर? डेंसिटी ऑफ गैस इज इक्वल टू 3.6 × 10⁻³ ग्राम पर ml, देन गैस इज, और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ H2 गैस भी दी गई है। देन वी कैन से डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ H2 गैस। इट इज़ द डेंसिटी ऑफ गैस, इज द डेंसिटी ऑफ गैस इज 3.6 × 10⁻³ एंड इट इज़ द डेंसिटी ऑफ H2 गैस इज द 9.9 × 10⁻⁵। क्लियर? ये क्या निकालने जा रहे हो आप, वेपर डेंसिटी निकालेंगे अपन। क्लियर? वेपर डेंसिटी निकाल कर क्या करेंगे, वेपर डेंसिटी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोलिकुलर वेट आएगा, एंड फाइंड आउट द मोलिकुलर वेट ऑफ द एवरेज स्पीशीज। इज दैट क्लियर? तो ये वेपर डेंसिटी निकल जाएगी यहाँ से। कितनी आ रही है आपके पास, इसको मैं सोल्व करता हूँ तो कितना हो गया, ये 10 हो गया, ये कितना हो गया, 4 हो गया, और इसको चेक करते हैं तो अपन देखो 5 से कितना हो गया, 4 से ऊपर की तरफ जाएगा तो कितना, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस टू बचा, माइनस टू से एक कैंसिल आउट, 10 टू पावर -1 ऊपर गया तो कितना आ गया 40। वेपर डेंसिटी कितनी है 40 एंड वी नो दैट वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू 2 into molecular weight by this equation, clear? Then it is 2 into 40 is equal to 80। अब आप ये चेक कीजिए इसमें से कि इनमें से किस गैस का molecular weight कितना है 80 है। तो देखिए SO2 की बात करें अपन, सल्फर हो गया 32 और ऑक्सीजन 2 है तो 2 into 60 32, इसका तो कितना है 64 है, इसका कितना आएगा 44 है, इसका कितना आएगा 28 आएगा। और SO3 की बात करें तो 32 तो हो गया सल्फर का एंड 48 हो गया किसका ऑक्सीजन का, तो ये 80 आ गया। तो आपके पास जो राइट आंसर है वो कौन सा है, SO3 गैस है इसके अंदर, क्लियर। सेकंड क्वेश्चन की यदि बात करते हैं तो सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या है, इफ वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस इज 14, वेपर डेंसिटी कितनी दे रखी है आपको, वेपर डेंसिटी दे रखी है आपको 14। तो आपको सीधा गैस पहचाननी है तो आपको कैलकुलेट भी नहीं करना, तो मैं क्या कह सकता हूँ वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई 2, क्लियर। 14 है ये, तो ये कितना हो जाएगा 14 into 2 मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 28, क्लियर। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो 12 + 16 कितना हो गया 28, नाइट्रोजन का कितना हो गया 14 प्लस ऑक्सीजन का कितना हो गया 32, ये हो गया आपके पास 46 के आसपास नहीं होगा, दिस इज 28। मतलब फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट है और थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट, ये दोनों गैसेज है। तो हम क्या कहेंगे कौन सा ऑप्शन जाएगा इसमें, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस विद रेस्पेक्ट टू CH4, वेपर डेंसिटी आपको दी है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, वेपर यानी कि डेंसिटी ऑफ गैस रिलेटिव टू डेंसिटी ऑफ CH4, क्लियर। वेपर डेंसिटी ऑफ गैस विद रेस्पेक्ट टू CH4 इज 4 दे रखा है, कितना दे रखा है ये 4 दे रखा है। तो क्या करें देन गैस को आइडेंटिफाई करना है। देखो दूसरी गैस के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वेपर डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ CH4 ये कितना है 4 है, इसका मतलब मोलिकुलर वेट ऑफ गैस एंड मोलिकुलर वेट ऑफ किसका CH4, इज दैट क्लियर। ये कितना था आपके पास 4 है, ये हो गया मोलिकुलर वेट ऑफ गैस और ये क्या हो जाएगा मोलिकुलर वेट ऑफ CH4, क्लियर। तो ये कितना है मोलिकुलर वेट ऑफ गैस आपको कैलकुलेट करना है, मोलिकुलर वेट ऑफ CH4 कितना हो गया 16 एंड मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू कितना हो गया 64। तो किस गैस का जा रहा है 64, SO2 गैस का जा रहा है 32 + 32, ओजोन का तो कितना हो गया देखो 48 हो गया, इसका 44 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा 80 अभी आपने निकाला ही था, क्लियर। तो कौन सी गैस है आपके पास ये 64 यानी कि SO2 है। एंड लास्ट वन क्वेश्चन इज द मास ऑफ 1 liter ऑफ गैस इज 1.96 grams, देन फाइंड वेपर डेंसिटी एंड मोलिकुलर वेट ऑफ गैस। देखो क्या दिया हुआ आपको, मास ऑफ 1 लीटर गैस का कितना है 1.96, कितना है 1.96 ग्राम है। अब ये क्या कह रहा है फाइंड द वेपर डेंसिटी, क्या निकालो आप वेपर डेंसिटी निकालो और क्या निकालिए मोलिकुलर वेट निकालिए। देखो अमाउंट इन ग्राम दे रखी है, सॉरी आपको ये गैस के बारे में कहानी थी, ये क्या दे रखा है आपको वॉल्यूम दे रखा है, क्लियर। और साथ में क्या दे रखा है अमाउंट इन ग्राम है, अमाउंट इन ग्राम यानी कि आपको क्या दे रखा है मास दे रखा है और क्या पूछ रहा है मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट आ जाएगा तो वेपर डेंसिटी अपने आप ही आ जाएगी, क्लियर। तो क्या करें अपन, देखो वॉल्यूम आपके पास है, अमाउंट इन ग्राम आपके पास है, देन यूज द नंबर ऑफ मोल्स। कैसे यूज करो इसको आप, नंबर ऑफ मोल्स। देखिए N = क्या होता है W/M = वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, क्लियर। ऐसे कुछ क्वेश्चन सोल्व करवाए थे मैंने आपको कि एक का ग्राम में अमाउंट दिया जाए, दूसरे का लीटर पूछा जाए, ग्राम लीटर है क्या देखना है। तो देखो मेरी बात सुनो, क्या क्या है आपके पास, वॉल्यूम है, वॉल्यूम किस में चाहिए लीटर में, मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा। W 1.96 है तो क्या बचा आपके पास, एम ही तो कैलकुलेट करना है। तो देखो ये कितना हो गया 1.96 डिवाइड बाई मोलर मास, यही आपका मोलिकुलर वेट है। वॉल्यूम कितना है 1 है, ये हो गया 22.4, देन मास कितना आया आपके पास 1.96 इंटू 2.4, ये ऑलमोस्ट किसके इक्वल आएगा 44 के इक्वल आएगा, 44 ग्राम पर मोल के इक्वल। तो वेपर डेंसिटी कितनी हो जाएगी, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई 2, इट इज़ द 44, 2 इज इक्वल 22, इज दैट क्लियर। तो ये हो गया आपके पास लेक्चर अबाउट द वेपर डेंसिटी, क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन परसेंट, कंपोजिशन, मोलिकुलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।